अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हम सब लोग? खैरियत से हैं। तो आज जो है कहीं शादी पे जा रहे थे तो मेकअप करना था। मेकअप करने से पहले सोचा कि कैमरा खोल के कैमरे के सामने वीडियो बना लूं और मेकअप कर लूं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है कैमरे के आगे मेकअप करना, क्योंकि हम जो शीशे में देख के अपने टेढ़े सीधे मुँह बना के मेकअप करते हैं ना, वो कैमरे के आगे देख के नहीं होते। मेकअप करते हुए जितने गंदे मुंह बनते हैं ना, वो कभी नहीं बनते होंगे। उसके बाद दूसरा मजाक मेरे साथ किया मेरे रिंग लाइट ने। सबसे पहले तो वो टूट गई, खैर उसको मैंने जोड़ा घंटा लगा के चिपका चिपकू के टेप पे, पर जो है ना टेप ने भी साथ नहीं दिया और वो बार बार हिली जा रही थी, कभी लाइट मध्यम कभी तेज़ कभी मध्यम कभी तेज़। अभी देखें कैसे ब्लिंक कर रही है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो ही जा रही थी। बहुत फिर भी मैंने वीडियो बना लिया। अच्छा, वीडियो बनाते हुए मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ऐसा है, पर जब वीडियो बना ली फिर पता चला। तो खैर हम लोग मेकअप अपना शुरू कर चुके हैं। बताओ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने वैसलीन लगा ली अपने फेस पे मॉइस्चराइज करने के लिए स्किन को, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई होती है स्किन, तो लोशन वगैरह काम नहीं देते उस तरह से, इसलिए मैंने स्किन पर अपनी वैसलीन लगा ली। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने लगा लिया था सीरम। जब वैसलीन लगा ली तो मुझे याद आया मैंने सीरम पहले लगाना था, उसके बाद मैंने वैसलीन लगानी थी। फिर मैंने सोचा चलो खैर है, अब लगानी दोनों चीज़ें अपने मुंह के ऊपर ही थी ना, लग गई हैं बस बात करते। अच्छा, जल्दी जल्दी वाला काम बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के साथ मैनेज करना, अपने आप को, मेकअप को, कपड़ों को, बच्चों के फीडर, बच्चों के कपड़े, बच्चों का ये, बच्चों का वो। बीच में 1500 दफ़ा जो है वीडियो को बंद करके हर किसी के मसले हल करो। एक बच्चे का मसला हल नहीं तो दूसरे का शुरू, दूसरे का हल नहीं तो पहले का शुरू। इस तरह होता है मेकअप करते हुए, इतनी मुश्किल होती है ना, इसलिए कैमरे के आगे खड़े होकर मेकअप करना बड़ा मुश्किल है। खैर मैंने सब उसके बाद क्या किया, कलर करेक्टर से जो है अपने सारे डार्क एरियाज को कवर किया, ठीक है। कलर करेक्टर बहुत ज़रूरी है, अगर आप डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई करेंगे तो बहुत जो है बाद में मेल्ट होकर मेकअप जो आपका ग्रे हो जाएगा। अगर आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप जो है लाइट पिंक सी कोई लिपस्टिक लें, उसको अपने डार्क एरिया पर लगाएं, उसके बाद आपने कंसीलर अप्लाई करना है, ठीक है। डायरेक्ट कंसीलर मत अप्लाई किया करें अपने डार्क एरियाज पर, बहुत गंदा शेड हो जाता है बाद में। मैंने खुद भी ये आजमाया हुआ है। तो यहाँ पे खैर कलर करेक्टर यूज़ करने के बाद मैंने ये लगा लिया कंसीलर। कंसीलर जो है लगाने के बाद इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड हमने टैप टैप करके करना है, हमने रगड़ा नहीं देना अपने स्किन को, अपनी स्किन पे हम लोगों ने रगड़ना नहीं है, ब्यूटी ब्लेंडर को हम लोगों ने टैप टैप बड़ी तहम्मुल मिजाजी से करना, ठीक है। क्योंकि ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी फेस की, हमारा मेकअप उतना ही ज़्यादा देर के लिए स्टे करेगा। अच्छा, मेकअप फिक्सर मैं सर्दी में नहीं यूज़ करती हूँ अपनी स्किन पे, गर्मी में हाँ मैं करती हूँ मेकअप फिक्सर यूज़, क्योंकि स्किन जो है गर्मी में जो मेकअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेल्ट होने लग जाता है थोड़े टाइम के बाद पसीना आके, तो जो है सर्दी में ऐसा नहीं होता। आइस क्यूब का मसाज कर लो सर्दी में मेकअप करने से पहले 2-3 मिनट का, तो आपको मेकअप फिक्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हर किसी के पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती है। जिनके पास होती हैं वो तो कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होती वो बेचारे क्या करें। तो वो आइस क्यूब का मसाज कर लिया करें 2-3 मिनट अपने फेस पे, उसके बाद मेकअप अप्लाई किया करें मॉइस्चराइज करके स्किन को। कितना अच्छा आपका मेकअप होगा, मेकअप फिक्सर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, हाँ फाउंडेशन लगा लिया मैंने। फाउंडेशन जो है मैंने 2 मिक्स करके लगाई थी, एक मिस रोज की थी, दूसरी का नाम नहीं मुझे पता क्या था, तो इसको मैंने मिक्स करके लगाई जी। तो उसको हाँ मैंने इसलिए मिक्स की थी क्योंकि शेड जो है वो डार्क था मिस रोज का, तो लेकिन मुझे लाइट चाहिए था, थोड़ा एक शेड लाइट चाहिए था ताकि वो मेल्ट होके जो है मेरा सेम स्किन का शेड बन जाए, ठीक है। आप लोग हमेशा अपनी जो स्किन कलर होता है ना, स्किन टोन, उससे एक शेड लाइट लिया करें, डार्क मत लिया करें, लाइट लिया करें, नेचुरल वाला। तो यहाँ पे क्या मैं कर रही थी, यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग कर रही थी ब्राउज़र क्रीम वाला, मेरे पास है ब्राउज़र, ठीक है, पाउडर वाला क्रीम फॉर्म में होता है, हर तरह का ब्राउज़र आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे क्रीम वाला, ये बहुत अच्छा, बहुत नेचुरल लुक होती है इसकी, मुझे बहुत पसंद है, बस ख़त्म होने वाला मेरा, अब मैं डर रही हूँ पता नहीं मुझे दोबारा ये मिलेगा ना मिले। तो यहाँ पे इस तरह से फिंगर की मदद से मैंने लगा लिया सारा, क्योंकि ब्रश की मदद से मैं नहीं लगाती हूँ कभी भी। आगे भी आने वाले टाइम में भी आप मुझे वीडियो बनाते हुए देखेंगे ना, तो कभी भी आप लोग मुझे नहीं देखेंगे ब्रश से ब्राउज़र लगाते हुए, क्योंकि मुझे ब्रश से ब्राउज़र लगा के बिल्कुल तसल्ली नहीं होती है, हाथ बिल्कुल मेरे काम से रहते हैं इधर उधर इधर उधर। और जितनी अच्छी तरह से ब्राउज़र फिंगर की मदद से लगता है ना, उतना कभी भी हम लोग ब्रश से नहीं लगा सकते हैं, मेरा तो ये पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है, बाकी अपना अपना एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। यहाँ पे हमने डबल चिन जितनी कवर कर ली, और यहाँ पे जो है नोज़ पे हमने लगा लिया फिंगर की मदद से, थंब पे और फिंगर पे हम लगा के जब नोज़ की कंट्रोलिंग करते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है, आप लोग देखें
कहीं से टेढ़ी कहीं से सीधी नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। और जिनकी नोज़ ऊपर से थोड़ी शार्प होती है ना, वो कम लगाया करें। नीचे से जिनका थोड़ा मोटा नोज़ होता है, वो थोड़े अपने नोज़ के साइड पे अच्छे से लगा लिया करें। नोज़ के हिसाब से कंटोरिंग होती है, बाकी अपने नोज़ के हिसाब से आप लोग कंटोरिंग किया करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी आईब्रो भी सेट कर ली। फॉरहेड पे भी मैंने कंटोर थोड़ा सा जो है ब्राउज़र लगाया था, क्योंकि फॉरहेड जो मेरा ऑलरेडी छोटा है, तो मैं दरमियान में लगा लेती हूँ, ताकि जब वो ब्लेंड होता है वो बिल्कुल इक्वल फॉरहेड की शेप हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब स्ट्रेट नहीं होती है लेकिन थोड़ी सी ना इक्वल हो जाती है, वो जो साइड से अंदर की तरफ धंसा होता है वो थोड़ा बराबर हो जाता है। बाकी जिनके फॉरहेड थोड़े चौड़े होते हैं ना, वो अपने फॉरहेड पे ब्राउज़र अच्छे से लगा के कवर कर लिया करें। बाकी जिनके छोटे होते हैं माथे फॉरहेड, वो जो है अपने माथे फॉरहेड जो है ना, वो उससे कवर कर लिया करें, ठीक है। अब जी यहाँ पे क्या किया मैंने, आई शेड, अब आँखों की बारी आती है। तो मेरा ड्रेस था बिल्कुल ब्लैक, सिंपल ब्लैक था, तो मैंने सोचा अपनी आँखों को थोड़ा सा हैवी कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो किसी भी आपके पास आई शेड पैलेट है, उसमें वाइट शेड तो लाजमी होता होगा, तो आप लोगों ने उससे अच्छी तरह से अपने पहले आईज़ को कवर कर लेना। अगर वो नहीं है तो कंसीलर से कर लें, इट्स ओके, क्योंकि कलर नज़र आना चाहिए। कंसीलर जब तक आप लोग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट अपनी आँखों पर अप्लाई करेंगे, तो आपका आई शेड कलर उस तरह से नज़र नहीं आएगा, वो अलग नज़र आएगा, वो शेड कुछ और होगा, आँखों पर लग के कुछ और होगा, इसलिए इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने सोचा मैं कुछ ब्राउन ब्लैक सा पहले करूँगी, तो मैंने अपने जो है आँखों के जो कॉर्नर हैं उधर अपनी आईज़ के कॉर्नर पे सबसे पहले तो ब्राउन शेड से ब्लेंड किया, ठीक है, वी शेप में मैंने ब्लेंड किया अच्छी तरह से। उसके बाद जो है ब्लैक शेड से उसको मैंने ब्लेंड किया, पता नहीं कैमरा में मुझे ग्रे ग्रे क्यों लग रहा था, पर ये ब्लैक था, ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। दोबारा से ब्लैक करके मैंने दोबारा से जो है ब्राउन से ब्लेंडिंग की ऊपर वाली साइड पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लैक भी नहीं करना था हमने, बस लाइट सा उसको एक शेड देना था। तो यहाँ पे कट क्रीज हम लोग नहीं बनाएंगे, इतनी शार्प नहीं बनाएंगे राउंड में, बस थोड़ा सा हम लोगों ने इसको फिंगर की मदद से, अच्छा कट क्रीज जिनको है ना, मतलब अभी थोड़ा सा नहीं इतना आइडिया बनाने का, और बनाते हुए अक्सर ख़राब हो जाती है, तो वो लोग फिंगर की मदद से बना लिया करें, बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारी फिंगर की जो शेप है ना, वो डायरेक्ट अपनी आँख के ऊपर आप रखेंगे ना, वो बिल्कुल यू शेप में बन के ना बड़ी मज़े की जो है कट क्रीज हो जाए। उसके बाद जो है मैंने कलर करेक्टर से ही अपनी आँखों पे उसको बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके ऊपर हाइलाइटर लगाया, हाइलाइटर गोल्डन कलर का मिक्स करके, सिल्वर और गोल्डन को मिक्स करके अपनी आँखों के ऊपर मैंने लगा लिया, जहाँ जहाँ पर मैंने वो लगाया हुआ था, क्या नाम है, कलर करेक्टर लगाया था, उस जगह पर मैंने अच्छी तरह से टैप टैप करके हाइलाइटर लगा लिया, ठीक है। अगर आपके पास शिमर नहीं है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, आईज़ बहुत मज़े की बनती हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। दोबारा से ब्लेंड करेंगे हम लोग ऊपर जो हम जहाँ पे हम लोगों ने लगाया हाइलाइटर, उस जगह पे ब्लेंड करेंगे, ताकि हम बहुत अलग सी लुक ना आए, शार्प लुक ना आए, अलग अलग ना लगे, सब कुछ मिक्सअप ही लगा। पीछे ही मेरा बच्चा अपनी कटकुटें करता हुआ, क्योंकि इनको मैं बाद में रेडी करती, पहले मैं खुद अपना मेकअप वगैरह कर लेती हूँ, तो बस फ़ायदा उठा लेते हैं जब मैं कोई काम कर रही होती हूँ, तो अपना जो है बीच में पूरा पूरा काम करते हैं लोग, तो खैर ये जलालत भी साथ साथ ही होती है बच्चों वाली। तो यहाँ पे मस्कारा लगा लिया, आँखों के अंदर मैंने पेंसिल लगाई, अच्छा सेम जो आँखों के ऊपर मैंने मेकअप किया, आँखों के नीचे भी कर लिया वैसा ही, ब्राउन और ब्लैक की ब्लेंडिंग करके उसको अच्छे से एक लाइन बना ली। अच्छा आँखों के अंदर मैंने स्किन कलर की पेंसिल लगाई थी, और जो है ब्लैक से उसको सिर्फ आँखों की जो ये अंदर वाली साइड है ना, उस पर मैंने कॉर्नर पर हाफ पे मैंने स्किन पेंसिल लगा ली, और हाफ पे जो है ब्लैक, इसी अगर हमारी आँख थोड़ी सी बड़ी बड़ी लगेगी। लाइनर हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी शेड से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्लैक हो गया था, लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे आप लोग मेरी आँखें देख सकते हैं, पहले कितनी चुनी चुनी सी थी और अब कितनी बड़ी बड़ी लगने लग गई हैं, क्योंकि आँखों के अंदर आप कोई भी वाइट या स्किन पेंसिल लगाएंगे ना, तो आपकी आँखें ऑलरेडी जो हैं बड़ी लगने लग जाएंगी, ऑटोमेटिकली सॉरी बड़ी लगने लग जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी आँखें जो हैं वो पूरी तरह से मैंने अपनी आँखों को डन कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने फेस पाउडर से सेट किया, अच्छा फेस पाउडर मैं पहले नहीं सेट करती, मैं सबसे एंड पे फेस पाउडर अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि तसल्ली हो जाती है कि अच्छा पूरा मेकअप डन हो गया, बस अपने फेस पाउडर से सेट करना है, ब्लश ऑन लगाना है और लिपस्टिक लगानी है और बस हाईलाइटर लगाना है और बस,
तो यहाँ पे पाउडर वाला मैं ब्लश ऑन लगा रही थी, पिंक कलर का मैंने लगाया पर मेरी तसल्ली नहीं हुई, पर मैंने पीच कलर का ऊपर दोबारा से हल्का हल्का सा मेडोरा लिपस्टिक का ही शेड था वो मैंने लगा लिया, क्योंकि लिपस्टिक से जब तक मैं ब्लश ऑन नहीं लगाती मेरी तसल्ली नहीं होती है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर लगा लिया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शादी पर जाना है और ड्रेस मेरा बिल्कुल सिंपल है तो हाइलाइटर लगाना काफ़ी ज़रूरी था। अच्छा जी, यहाँ पे नोज़ पे भी अच्छी से हम हाईलाइटर लगा लेंगे। तो हाईलाइटर लगाने के बाद, हाँ जी बस हाईलाइटर लगाने के बाद हम हमारी लिपस्टिक रेडी है वो लगाएंगे। ठीक है जी, लिपस्टिक लगाने के बाद हमारा मेकअप जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और हाईलाइटर जो है हर जगह मैं अपने अच्छी तरह से लगाती हूँ, हर जगह से चमचमाता हुआ नज़र आना चाहिए मुँह मेरा, इसलिए हाइलाइटर बहुत मुझे अच्छा लगता है। हाइलाइटर के बगैर जैसे मेकअप अधूरा लगता है मुझे मेरा। तो यहाँ पे लिपस्टिक मैंने लगाई थी पहले ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर की लगा के मुझे थोड़ा सा शेड लाइट लगा था, तो मैंने इसको ज़्यादा डार्क भी नहीं था करना लेकिन मुझे थोड़ा ये लाइट भी लग रहा था, तो मैंने क्या किया इसके अंदर जो है रेड कलर की का शेड लिया और लिप के जो बिल्कुल मिड में ना मैंने रेड का हल्का सा टच दिया और उसको ब्लेंड कर लिया ताकि वो ना ज़्यादा डार्क शेड लगे ना ज़्यादा लाइट शेड लगे, डबल शेड लग के काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था तो ये थी मेरी फाइनल लुक और यहाँ पे मेरी रिंग लाइट ने मेरे साथ बहुत बड़ी क्या की, टूट गई लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से सेट करके जो है अपनी फाइनल लुक आपको बता दी। ये मेरा ड्रेस था, देखिए कितना सिंपल था मेरा ड्रेस था। तो खैर ये थी जी मेरी फाइनल लुक, ये था मेरा मेकअप, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो जी इसके बाद क्या, इसके बाद हम वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीक कहीं जाऊंगी तो आप लोगों के साथ अपनी मेकअप रूटीन, अपनी ड्रेसेस की रूटीन, अपनी मेकअप के साथ जो मैंने ड्रेस के साथ मैंने मेकअप करना होता है वो हमेशा हर चीज़ शेयर किया करूँगी। तो जी इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।